So hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So here is another day and another vlog. सो आज आप लोग सोच रहे हूँ कि मैं सुबह सुबह इतनी तैयार श्यार होकर बाल छाल बना के मैं कहाँ जा रही हूँ. सो आज मेरा पेपर है, सुबह 8 बजे का पेपर है मेरा. और इस टाइम आई गेस 6:30 हो रहे हैं कि 6 हो रहे हैं, पता नहीं, आई डोंट नो द एग्जैक्ट टाइम. बट तो आज था मेरा एग्जाम, तो मैंने सोचा कि आज लास्ट एग्जाम है, मैं अपने पेपर व्लॉग नहीं बना सकी क्योंकि मुझे बीच में कंजेक्टिवली पेपर्स थे, मुझे बीच में छुट्टियां नहीं थी. तो आज मैंने सोचा है कि आज लास्ट पेपर है, क्यों ना उसका लास्ट तो नहीं है, मेरी 3 लैब्स हैं, बट वो खैर है, वो हम कर लेंगे, वो नेक्स्ट वीक है. लेकिन आज है मेरा लास्ट पेपर, तो मैंने सोचा कि आज कर लेते हैं, एक व्लॉग बना लेते हैं और आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं कि मैं कैसे जाती हूँ पेपर देने, जैसे सब जाते हैं. मैं सुबह रात से नहीं बल्कि मैं सोई, मैं पढ़ती रही हूँ क्योंकि मैं, मेरी एक बड़ी गंदी आदत है कि मैं बिल्कुल आखिरी डे पढ़ती हूँ. सो अभी बज रहे हैं 6:30 और मैं रात से नहीं सोई हूँ, लिटरली मैं रात से नहीं सोई हूँ. और मैं क्यों नहीं सोई हूँ, मैं इतनी लाइक इतनी पढ़ाकू नहीं हूँ क्योंकि मेरा, मैं उन बच्चों में से हूँ जो सिर्फ और सिर्फ आखिरी दिन पढ़ते हैं. बेशक उनको 4 छुट्टियाँ हो 5 छुट्टियाँ हों, लेकिन वो पढ़ते आखिरी दिन है. खैर तो अभी हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी जाके फिर आपसे मिलती है, तब तक के लिए स्टे ट्यून. और यहाँ जी अम्मी क्या कर रही हैं आप? अम्मी जो है वो गेम खेल रही हैं जी. ठीक है अम्मी, मैं जा रही हूँ. ओके लाफिज. अच्छा मेरा पेपर है, दुआ दुआ करनी है अम्मी आपने. अच्छा इंशाल्लाह. अच्छा ठीक है ओके. छठे तो मार लिए हैं और 10 मिनट रह गया पेपर में. और ये बस 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 जानी बस. हाँ। अभी तो पढ़ना शुरू किया, हम लोग जा रहे हैं जल्दी जल्दी पेपर देने. अपना हाँ, बहुत क्यूरियोसिटी है इसको जाने की. 10 मिनट पहले ही रोल नंबर ढूंढने खड़ी हो गई है. बहुत खुश है यार. और किसी ने नहीं ढूंढना. उनसे पूछ लेना पहले. YouTube पे तो मैं नहीं बताऊँ, फ्री में नहीं आता था, मुझे नहीं पता. सारा खबरदार जहाज बनाया. ये देखो ये क्या हो रहा है. ये नो दिस इज सो अप्रिशिएट फॉर मी. मेरा प्यारा पेपर है ये, देखे इतना खूबसूरत खूबसूरत मैंने इस पे लिखा. देखो माहिर ये संभाल के रखे, ये मुझे लग रहा है ना, ये ना तुम एक बैंक में लॉकर खुलवाओ, उसके अंदर जाके ठप करके रख दो. माँ को बताऊंगी ना, देखना तुम. चल शादी बता के दोनों इकट्ठे चलते. और ये वो आवाम है जिनका भी पेपर लगता रहता है, तभी इस तरह बैठे हुए हैं हर पेपर की. हाँ और एक ये बंदी है जिसको कोई परवाह नहीं है पेपर की. ये बास्केटबॉल खेलेगी अभी, जाके देखना हमारे साथ कोर्ट में. क्या खेले? और अच्छी भली मैं घर जा रही थी और इन बंदियों ने तस्वीरों के चक्रों में मेरी वैन मिस करवा दिया. लेते गए पर चस बड़ी आई. गई इनकी वैन गई. मान के खिलाने बनते क्योंकि पेपर इसके खत्म हुए हमारे. नहीं तो वैन तुम लोगों ने मिस कराई है, पेनल्टी तुम लोगों के ऊपर है. ये लोग आज पिज्जा खिलाएंगे क्योंकि इन लोगों की वजह से मेरी वैन सब लोग की वजह से मेरी इन लोगों की वजह से इसकी वजह से चुप कर जा माहिर तेरी वजह से. इन अब हम जा रहे हैं इनसे प्लेंटी लेने कैफे में पिज्जा खाने. ठीक है पैसे से तैयार है. कड़क नोट 75 रुपीज का वो ले ले. नहीं नहीं पिज्जा बस तैयार है अभी. आपको पिज्जे की ना आएगी अब आपको वीडियो. ठीक है नाइस. जो दोहा खिलाएगी. पता नहीं कौन दोहा है, मैं तो नहीं. दोहा खिलाएगी.
जो है एक्स्ट्रा चीज पिज्जा मलाई मार के नहीं आ रही, बराए मेहरबानी सब कुछ हमने पैसे देखने कितने हैं उसमें नहीं अच्छा निकाल के आई हुई होगी, मैं जानती हूँ ना इसको ये एक और भी है और भी ये है। ये चीज बैंक ये निकल आए और कितने हैं 500 रुपए कॉल देते छह हजार दे दिए थे वो नहीं क्या इंस्टॉलमेंट बेसिस पे तुमने वैन अपनी शुरू की थी मुझे चाहिए थे ना उस अंकल से उधार ले लिया था ये दो बंदियां ट्रीट अपनी तरफ से इस खुशफहमी में जा रही है इनको तो इस तरफ से ट्रीट मिलने लगी है मुझसे बाहर आ जाते और फाइनली जी हमें मर मर के इन दो बंदियों ने ट्रीट दे ही दी है मिल के दी है तो शुक्र है मुझे उम्मीद तो नहीं थी इनकी शक्लों से बट लेकिन फिर भी इन्होंने दे दी है हाँ तो अब मैं चाहती हूँ कि मेरी रोज वैन मिस हुआ करे ताकि मेरा खाने पीने का निजाम यहाँ से चलता रहा करे अनदर ट्रीट और ये क्या लिखवा के लाई हो मेरे ऊपर से देखो ना ये जोहा में लेके आई है एक में अच्छा ये नाइस ई और ये तुम्हारा जोहा जेड आर और तुम अपना दिखाओ ये के नाम से अर्ज किया है क्या 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 खाना पीना पसंद करेंगे तुम्हारे पास अभी इस बंदी ने और इस बंदी ने हमें ट्रीट दिया क्योंकि इन दोनों ने मेरी बैंड लेट करवा दी किसमें यार बैंड लेट करवाओ की अपने ही मजा आता है अभी तो बहुत तुम्हारी अगर बस लेट करवा बस लेट करवा दो बैठ गाने नहीं सुनते बहुत गलत बात होती है और यार ये अंकल आए क्यों अंकल तो मेरी दुआ करो मेरा पेपर है आप ठीक है आप बोल आप बहुत प्यारा है मुझे मेरा पेपर है मेरा पेपर है नहीं लोग बाद में दुआ करेंगे इसके लिए पेपर तो मैं कैट दे आऊंगी पर दुआ करना कि मेरे जो अकाउंटिंग के सारे उसके दिल में थोड़ा रहम आ जाए अगर तुम्हें नंबर दे दे हाँ नंबर दे दे कि उसकी बीवी बीमार पड़ जाए मुझे पढ़ने की एंजाइटी नहीं हो रही थी ये एक वो क्या कहते हैं लंबा सा वो बनाने डंडा बनाने उसके आगे ओवल बनाने उसके अंदर लिखते जाने इसको बंदी को मैं अपनी कंपनी में नहीं रखूंगी तेरी कंपनी आएगी ये मैं बता दी वो बाबा का ढाबा नहीं आता वो कंपनी होगी बस ये यूनिवर्सिटी का बनाया हेडफोन्स
गाइस इस ब्लॉग में मुझे जितने पार्ट इस बदली की वजह से कट करने पड़ेंगे ना, सारा एडिट करना पड़ेगा। अभी बोला तुमने सिर्फ डिसेंट बात करनी है, सोबर बात करनी है, फिर तुमने अजीब बात करी अंदर का शैतान पैर देखो सोबर बात है। ये अच्छी बात है, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इससे बेहतर हम जाके खेल ले तो ये इसको हम वो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ये है सारे अपनी स्टडी पे फोकस करें, जो कि मैं नहीं करती बिल्कुल भी। ठीक है, दोहा से दूर है, दोहा बहुत खराब लड़की है। अच्छा, एक बहुत जल्दी हमारी एक दोस्त थी, तेरी कॉलेज से दोस्त है। सुन, तू बीच में अपनी कान के दूर लड़ा दिया कर यार, तुम पीछे से आओ ना, एंट्री मारो पीछे से आगे एंट्री मारो। दूर से एक दूर से बैठ के एक अभी हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर ना एक हमारी दोस्त हुआ करती थी ईमान, वो एक ना पागल, अगर किसी उसने या उसके किसी दोस्त ने ब्लॉग देख लिया तो सुन ले मन्नतियों से गाइस। वो ना हमारी यूनिवर्सिटी के बाहर चौक में ये करके लड़की भी नजर आई, अगर ये कहीं लड़की भी नजर आई बचाने आ जाना। ये बहुत लड़ाई करती है। हाँ, अच्छी बंदी तो है, बहुत अच्छी, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी गरूर नहीं किया गाइस, इग्नोर करें इसकी बातों को, मासूम बच्ची है, छोटी बच्ची है, इसलिए हमने इसको फोकस किया। फोकस करें ये देखो, इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर बुलबुला स्क्वायर, इज इक्वल टू बुलबुला स्क्वायर, बुलबुला स्क्वायर इज इक्वल टू बुलबुला स्क्वायर। क्या मतलब बुलबुला, इतना कुछ खाया है, सारा कुछ बाहर आ जाएगा हमारा। इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर बुलबुला स्क्वायर, सारे लोग कहेंगे ईमान कैसी दोस्त पाल के रखी है तुमने। बुलबुला देखो बुलबुले कितने बड़े बनते हो। सो गाइज वेलकम बैक, और आप लोग सोच रहे होंगे अभी तो मैं यूनिवर्सिटी में थी और अचानक पे घर कैसे आ गई। सो हुआ ये कि मैं जो ही घर आई मुझे इतनी शदीद वाली नींद आई हुई थी, बिकॉज आई हैडन स्लेप्ट सिंस लास्ट नाइट। सो मैं आते साथ मैंने बैग शेक फेंका और मैं आकर बेहोश हो गई, मैं सो गई। सो अभी इस वक्त आए गए 5:30 हो रहे हैं कि मैं उठी हूँ, तो मैं तकरीबन 4-5 घंटे में सोई रही हूँ। सो सोचा कि आज का पेपर व्लॉग था तो इसको यहीं पर आज एंड करते हैं। सो इफ़ यू गाइज लाइक माई वीडियो देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरी न्यू वीडियो जब भी आए आप लोग को जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।